2 has requested for the grant of leave for 17th, 23rd and 24th May 2022. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Aslam Bhutani has requested for the grant of leave for 16th and 17th May 2022. Is leave granted? Granted. Mia Muhammad Abdul Ghaffar Wattu has requested for the grant of leave from 9th to 26th May 2022. Is leave granted? Granted. Ms. Shakila Lukman has requested for the grant of leave from 20th to 26th May 2022. Is leave granted? Granted. Rana Muhammad Ishaq Khan has requested for the grant of leave from 23rd to 25th May 2022. Is leave granted? Granted. Ms. Mehnaz Akbar Aziz has requested for the grant of leave from 20th to 27th May 2022. Is leave granted? Granted. For information, Chaudhary Tariq Bashir Cheema, Federal Minister for National Food Security and Research, has informed that he would not be able to attend this session from 25th to 28th May 2022. Fateh Khani ke liye ek MNA Dr. Shahnaz Bloch sahaba ke walid sahab, MNA Dr. Fahmida Mirza sahiba ke bhai, और साबिक एमएनए जनाब मियां गुल अदनान औरंगजेब का इंतकाल हुआ है। इसके अलावा मुल्क भर में तमाम छोटे बड़े हादसात में जो शहरी वफात पा गए उनकी मगफरत के लिए दरख्वास्त करूँगा जनाब मौलाना अकबर चित्राली साहब से का दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमाइन। परवरदिगार आलम तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमा, उनकी गुनाहों से आहवा व दरगुजर फरमा, उनको अपने दीदार नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम उन्हें अता फरमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत, उनके दस्त मुबारक से हौज़ कौसर का पानी उन्हें अता फरमा। अल्लाहु मग़फिरहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम वजअल क़ुबूरहुम रौज़तन मिन रियाज़िल जन्नत वअस्किनहुम फिल जन्नतिन नईम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइटम नंबर 2, कॉलिंग अटेंशन नोटिस। मीर मुनव्वर अली तालफर टू मूव आइटम नंबर 2 कॉलिंग अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर फॉर एनर्जी पावर डिवीजन। मिस्टर कादिर खान मंदोखेल टू मूव आइटम नंबर 2। Mr. Speaker, I wish to invite attention of Minister for Energy Power Division to a matter of urgent public importance regarding heavy load shedding in different cities of Sindh, causing grave concern among the public. Engineer Khurram Dastagir Khan, Minister for Energy Power Division. Janab Hashim Khan Saab. To answer on his behalf, you have to make a brief statement. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जो इस वक्त यकीनन जो बिजली का लोड शेडिंग है न सिर्फ सिंध के जो मुख्तलिफ शहरीों में हो रहा, पूरे पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग है बिल्कुल जी इसमें हो रहा है, लेकिन जनाब स्पीकर साहब इसके वजूहात जानना चाहते हैं और मैं ये वजूहात आज इस मुकद्दस ऐवान के सामने रखना चाहता हूं कि इसके वजूहात क्या हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, इनके जो वजूहात हैं, इस वक्त जो मुल्क में जो 5000 मेगावाट के शॉर्टफॉल हो रहा है, इसके वजूहात ये हैं सर कि इसमें 3 प्रोजेक्ट जो पिछले दौर हुकूमत में मुकम्मल होना था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सके। जो करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो 720 मेगावाट मुकम्मल
करना था उसमें सिर्फ एक यूनिट कंप्लीट हुआ जिससे 180 मेगावाट दे रहा है और बाकी वो कंप्लीट नहीं हुआ। तरकोलसर जो प्रोजेक्ट है वो नामुकम्मल है जिससे 1200 मेगावाट बिजली पैदा होना था। और त्रिमो प्रोजेक्ट सर जो RLNG से चलता था इसके ऊपर सर भी मुख्तलिफ किस्म के नैप के केसेस लगे हुए हैं और ये भी अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ। अगर सर ये हमारे तीन प्रोजेक्ट इस वक्त अगर कम्प्लीट होते थे तो हमारे सिस्टम में सर 3200 मेगावाट हमारे सिस्टम में शामिल होता था, जो लोड शेडिंग का इस वक्त जो दौरानिया है जो मुल्क के अवाम इस वक्त बर्दाश्त कर रहा है, मे भी वो 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग का दौरानिया हो सकता था। तो इन प्रोजेक्ट की नामुकम्मल होने से सर इस वक्त जो लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। मिस्टर कादिर खान मंदोखेल टू आस्क वन क्वेश्चन। जनाब स्पीकर, इसी हैवान में अल्लाह ताला की 99 नामों के नीचे ये मुझे सुनाई दिए है तमाम मौजूद मेम्बरान समेत कि पिछली हुकूमत के 7000 मेगावाट थे, हमने उनको बढ़ा के 22000 कर दिए। 22000 कर दिए हैं तो वो 22000 कहाँ है वो तो नज़र नहीं आ रहे। 16-16 घंटे की मेरा अलका बल्दिया टाउन आबिदाबाद मोमिनाबाद ज़िया कॉलोनी समेत मैं कराची पाकिस्तान एटमी पाकिस्तान की मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची की बात कर रहा हूँ, आप मुझे बता दें कि वहाँ पे ये हाल है लोड शेडिंग का, तो आखिर ये 22000 कहाँ चले गए। और फिर मैं के इलेक्ट्रिक वहाँ जिनके साथ मुआहदा हुआ था कि उन्होंने अपनी बिजली खुद पैदा करनी थी, आज वो वापडा के रहम मुकरम पे हमें 300-600 मेगावाट दे, आखिर कॉपर को उन्होंने तब्दील करके आम तारे कर दिए, लोगों का जीना आराम कर दिए, ड्यू डेट के ऊपर बिजली के बिल भेजते जिसकी मद में करोड़ रुपए वहाँ से बटोरते के इलेक्ट्रिक भी और वापडा भी। और मोहतरम मीर तालपुर साहब के हल्के में अभी पिछले हफ्ते तार गिर गई वापडा के, दो अफराद वहाँ जो है ना उससे बेचारे जान से गए। तो आखिर ये क्या है, ये कब होगा, इस गर्मी की सीजन में अगर नहीं हुआ तो मिनिस्टर साहब ये बताइए वो 22000 की बात ये वापस लेते हैं या उस पर कायम है। जनाब मोहम्मद हाशिम खान नोतेज़ई मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बजा फरमा रहे हैं इसमें वाकई इस वक्त हमारे जो सिस्टम में है 21,606 जो मेगावाट है और इसमें जो शॉर्ट फॉल हो रहा है 5000 मैंने पहले भी कहा था। तो इसमें देखें हुकूमत अभी हमारा जो हुकूमत इस वक्त ऐसे समझें कि 10 अप्रैल 2022 को आया, हम कोशिश करते हैं इसमें जो टेक्निकल फॉल्ट हैं उनको रिमूव करना है, जो ईंधन के जो फ्राहम है उसको भी मुमकिन बनाना है। और फ्यूचर के लिए हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हमने भी मंसूबे शुरू किया है। तो इसमें जनाब स्पीकर साहब शॉर्ट टर्म में जो हमारे प्रोजेक्ट हैं 50 मेगावाट के, तीन हमारे जो प्रोजेक्ट हैं 150 मेगावाट बनता है, इंशाल्लाह 10 दिसंबर 2022 तक ये मुकम्मल होगा। और विंड के ज़रिए सर, विंड जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके ज़रिए हमारा 60 जो मेगावाट का प्रोजेक्ट है वो भी सर 2022 को मुकम्मल होगा। अच्छा लॉन्ग जो टर्म के लिए सर हमारे जो सोलर प्रोजेक्ट हैं तकरीबन 5 सोलर प्रोजेक्ट से 230 मेगावाट के ऊपर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, ये 2024 तक इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। और जो विंड प्रोजेक्ट है 50 हमारे मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है जो 10 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल होगा। सर कहने का मकसद है बिल्कुल जी, हम तो इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब आज यकीनन इस हाउस में मौजूद होना चाहते हैं लेकिन उसके भी कुछ सर रिजर्वेशन थे, कुछ कमिटमेंट थे, वो नहीं आ सके। तो और लॉन्ग टर्म के लिए सोलर और विंड के सर 100 और 500 मेगावाट के इंशाल्लाह हम प्लानिंग शुरू कर रहे हैं, ये प्लानिंग पूरे पाकिस्तान में शुरू कर रहे हैं, इसमें पूरा बलूचिस्तान भी शामिल है, सिंध भी शामिल है, KPK भी शामिल है और पंजाब भी शामिल है, हमारे ट्राइबल इलाके के भी शामिल है। तो कहने का मकसद है इस वक्त जो बिजली का शदीद जो बोरान इस वक्त मुल्क में हो रहा है, मैंने पहले आपको कहा था कि बोरान खुद नहीं आ सकता है, बोरान ज़रूर किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आते हैं या कुछ जो आपके प्रोजेक्ट हैं उसको वक्त पर मुकम्मल न हो सके, मुकम्मल न करा सके उसकी वजह से आ सकें। तो ये हमारे जो तीन प्रोजेक्ट मैंने मेंशन किया था कि इन्होंने बर वक्त इनको मुकम्मल नहीं किया था और एक प्रोजेक्ट इसके ऊपर जो केसेस लगाए नैब का, तो हम चाहते हैं कि इनको कोशिश करते हैं कि इनको 10 दिसंबर 2022 तक इनको मुकम्मल करें। और इससे तकरीबन एक साल के अंदर अंदर अगर ये मुकम्मल हो जाएंगे तो इसमें हमारे सिस्टम में जनाब स्पीकर साहब 3200 जो मेगावाट है हमारे सिस्टम में शामिल होगा और इंशाल्लाह बिजली के जो लोड शेडिंग का दौरानिया यकीन से मैं आपको कहता हूँ इंशाल्लाह कम होगा जी। इंजीनियर साबर हुसैन कायम खानी साहब। मान रहीम,
सर मैं चाहूंगा थोड़ा हाउस ऑर्डर में करें क्योंकि जो बात अभी जो कॉलिंग अटेंशन तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। जो सर तवज्जा दिलाओ नोटिस यहाँ लाया गया है उसमें नाम तो सिर्फ हम 5 मेंबरान के हैं लेकिन ये पूरे पाकिस्तान का मसला बन चुका है। हमें उम्मीद थी कि वजारत बदली है, वजीर बदला है तो हालात भी बदलेंगे, लेकिन सर जिस तरह मुल्क से बिजली गायब हो गई है, आज हमारे वजीर मौसूफ साहब भी जब से वजीर बने हाल से गायब हो गए। हम उनसे मिलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि खुदारा जब आपको एक दफा फिर ये मौका मिला है तो साबित करें कि किस तरह हम हालात को ठीक कर सकते हैं। सर जो बिजली का मसला है, पैदावार का मसला तो अपनी जगह है, जितनी बिजली मौजूद है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं कर रहे हैं, उसका सिस्टम ठीक नहीं है, तार टूट जाते हैं बनाने वाले नहीं होते, ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं उसको ठीक करने वाला नहीं होता, बल्कि हैदराबाद में तो वो बदकिस्मती से हुआ है कि ट्रांसफार्मर फटने से गुज़िश्ता साल 11 अफराद शहीद हो गए, उसके बावजूद सर कोई एक भी सिस्टम ठीक करने वाला नहीं है। लोड शेडिंग 12 घंटे की हो रही है, 12 घंटे के बाद जो बाकी 12 घंटे हैं उसमें भी नहीं पता कि लाइट किस वक्त आएगी, कभी फॉल्ट के नाम पर डी फिटिंग हटा दी जाती है, कभी हमारे यहाँ ग्रिड से लाइट बंद कर दी जाती है। हैदराबाद का पूरा हेस्को का निज़ाम, सेपको का निज़ाम, मेरे पीछे मेरी बहन बैठी है सखर से, ये बता रहे हैं कि हमारे सखर में तो 20 घंटे लाइट नहीं है। सर किसके आगे हम रोना रोएं, किसको बताएं कि खुदारा ये गर्मी के अजाब के साथ साथ आप अपनी बिजली का अजाब कम करें, जितनी बिजली है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो सही करें। हैदराबाद में सर 574 फीडर हैं, 574 फीडर्स हैं, उसमें से 91 आपने एग्जेम्प्ट किए हुए, उनको रियायत दी हुई है, वो कौन से 91 फीडर्स हैं? आवाम को तो पानी भी नहीं मिल रहा। शहरों में एक मसला ये होता है कि जब लाइट चली जाती है तो लोग पानी नहीं भर सकते। सर अभी सर एक मिनट की बात है कि अभी सिर्फ 3 साल में हेस्को के 5 सीईओ बदले गए, अब फिर नए मिनिस्टर आए। Please ask one question to the minister. सर ask one question. जी सर, सर सर मैं चाहता हूं कि हेस्को को, सेपको को, के इलेक्ट्रिक को ठीक किया जाए, वहां एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रही है उसको बेहतर किया जाए, रोज रोज के ट्रांसफर पोस्टिंग बंद किए जाएं, और जो हमारे यहाँ आपने डी लाइसेंस करके पावर प्लांट्स बंद कर दिए, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बिजली की पैदावार कम है और जो पावर प्लांट सस्ती बिजली बना सकते थे, लाखड़ा पावर स्टेशन, जामशोरो पावर स्टेशन और सर हमारा कोटली का पावर स्टेशन, वो बंद कर दिया गया है। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपके ऐसा दरखास्त है मेरी कि आप मिनिस्टर स्टेट तो अपना बयान दे रहे हैं, जो सरकारी बयान है उनको भी मालूमात नहीं है, जो मिनिस्टर खुद मौजूद हैं, जो मिनिस्टर मौसूफ जिनका पावर की जिम्मेदारी है, सर उनके साथ हम मेंबरान की मीटिंग रखी जाए, हमारे मसले को हल किया जाए। इसके थैंक यू जनाब मोहम्मद हाशिम खान नोतेज़ई। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। जनाब इंजीनियर साहब हुसैन खान खानी ने बिल्कुल जी भजा फरमाया, शायद हम भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ फैक्ट और फिगर लाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर बंदा झूठ का सारा ले ले और सही फैक्ट और फिगर आवाम के सामने ना लाए तो मैं समझता हूँ कि फिर वो जिम्मेदारी सही नहीं है। तो यकीनन आपका बात सही है, मिनिस्टर साहब से भी मैं भी बात करता हूँ, इंशाल्लाह मैं भी उनको बता दूँगा, आप दोस्तों के साथ सिंध के जितने भी हैं एचको के, कैचको के, इनके साथ एक मीटिंग का अरेंजमेंट करेंगे। और जहाँ तक आपने कहा था कि बिल्कुल जी ये आपके जो लाइन के जो लॉसेज आ जाता है, आपके टेक्निकल लॉसेज आ जाता है, आपके कमर्शियल लॉसेज आ जाता, तो मैंने पहले इस आह्वान के सामने ये रखा था कि हमें जो 3,200 मेगावाट मिलना था वो हमारे 3 जो प्रोजेक्ट है वो नामुकम्मल है, इसी वजह से जो लोड शेडिंग का सामना आवाम कर रहा है उसकी वजह से। और हमने फिर फ्यूचर और लॉन्ग टर्म के लिए और फ्यूचर प्लानिंग के लिए मैं भी तफसील बता दिया, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको वन सेकेंड मैं रिपीट करा दूँ, वो सोलर प्रोजेक्ट के जरिए या विंड प्रोजेक्ट के जरिए। जहाँ तक जो हमारे एहलकार इस दौरान काम जब इनकी हलाकत कोई किसी बिजली की शार्ट लगने से हो जाता है, हम हमारे शहीद होता है, हम उनके रवाकीन के साथ इजहार हमदर्दी, इजहार यकजहती करते हैं, यकीन है ये ज़िंदगी इसमें चीज़ें होते रहते हैं। और जनाब इंजीनियर साहब कायम हुसैन कायम खानी साहब, अगर आप इंशाल्लाह, मैं भी इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब को आपका पैगाम दे दूंगा, आपके इंशाल्लाह इनके साथ मीटिंग कराएंगे, एक दूसरे के अलाइज़ें, कोशिश करते हैं कि इस ऐवान को इत्याद इत्फाक के जरिए से चलाया जाए, जो मुश्किलात आपके वो प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, मुश्किलात हैं
वो सिर्फ आपकी मुश्किलात नहीं है, अगर आप जिस ऑर्डर इन द हाउस प्लीज तमाम मेंबरान अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ के लोग भी दोचार हो रहे हैं, सिंध के लोग भी हो रहे हैं, केपीके के भी हो रहे हैं, पंजाब के प्लीज अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ फरमाएं। कोशिश करेंगे इस बिजली के जो लोड शेडिंग का अजाब है आवाम के ऊपर है या हमारे अवामी नुमाइंदों के कंधों के ऊपर है, कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द दूर करेंगे। प्लीज 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 जनाब मिस्टर उसामा कादरी टू आस्क वन क्वेश्चन। सर उसामा कादरी, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्पीकर साहब, फाजल मेंबर ने जो आपसे क्वेश्चन किया अभी बगैर माइक के, उसका जवाब दें अगर आप दे सकते हैं तो। आप अपने आप मेंबरान से मीटिंग करें और इनके जितने तहफात हैं उनको दूर करें। ठीक है सर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो है वो उस पर बिल उस पर बढ़ा दिए। उस वक्त कीमत जो है कराची के फी यूनिट जो है वो 24 रुपए फी यूनिट के इलेक्ट्रिक जो है वो वसूल कर रही है। अभी नेप्रा ने अप्रैल के लिए जो उन्होंने कैलकुलेशन की है उसमें 5 रुपए कुछ पैसे मजीद बढ़ाने जा रही है। 5 रुपए का मतलब ये हो गया कि 29 रुपए कुछ पैसे जो है वो अब जो बिल आएगा उसमें कराची के रहने वाले हर कंज्यूमर को जो है वो पेमेंट करनी होगी। इसके साथ साथ
अभी बिजली का शॉर्ट फॉल है और गैस जो है वो दी नहीं जा रही है के इलेक्ट्रिक को, तो के इलेक्ट्रिक को कहा जा रहा है कि RLNG के ऊपर आप जो है अपना ले जाएं। जनाब स्पीकर, सादा गैस और RLNG का फ़र्क मैं आपको बता दूं इस हैवान को यहाँ पर, कि अगर 800 रुपए एक सादा से अल्फाजों में और सादा सी जबान में, अगर 800 रुपए सादा गैस जो है वो मुहैया होती है तो RLNG 5,800 रुपए की पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि कराची में बिजली इस्तेमाल करने वाला शख्स जो है वो 10 रुपए मजीद देगा, तो 30 रुपए से 40 रुपए हो गए। और अभी अभी जनाब स्पीकर साहब मेरे पास ये खबर आई है कि आज जो है KE को पाबंद किया गया है कि 2.50 रुपए कराची डेवलपमेंट फंड के नाम पर जो है KE के बिल में जो है कराची के कंज्यूमर पर एक और बोझ डाल दिया जाए। तो जनाबे वाला ये कहाँ का इंसाफ है कि 2.5 रुपए मजीद जो है कराची डेवलपमेंट पैकेज जो है, हम ये समझते हैं कि कराची जो है 70% रेवेन्यू दे रहा है यहाँ पर, हमें इस रेवेन्यू से कुछ मिलेगा, लेकिन आज की ये इत्तला है। मैं चाहूँगा कि वजीर मौसूफ साहब मुझे बताएं कि 2.5 रुपए कई जो है कराची डेवलपमेंट चार्जेस लगाने जा रही है। इसके अलावा देखिए मसाइल KE के पास बहुत हैं, हमें मिल बैठ कर इस मसले को हल करना है। इसमें कैबिनेट ये ऐवान और यहाँ के नुमाइंदे तमाम लोगों को बैठ कर इस मसले को हल करना है। जनाब स्पीकर, 317 बिलियन वफाकी हुकूमत का झगड़ा KE के साथ चल रहा है कि KE को पेमेंट करनी है 317 बिलियन। जनाबे वाला, 317 बिलियन अगर उसको पेमेंट नहीं होती है तो वो कहाँ से जो है वो गैस खरीदेगी, फ्यूल और फर्नेस ऑयल को लेकर कैसे वो बनाएगी। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त अगर रोलिंग देनी है जनाब स्पीकर, अगर आपने रोलिंग देनी है तो कम से कम अभी इस वक्त 8 से 10 घंटे कराची में लोड शेडिंग हो रही है, 48 घंटे के बाद ये जो है 18 से 20 घंटे पर चली जाएगी। प्लीज़ इसमें कम से कम ये कीजिए कि 25 बिलियन रुपए जो विफाक के ऊपर निकलते हैं 317 बिलियन रुपीज़ में से 25 बिलियन अगर KE को दे दिए जाएं और उसको पाबंद किया जाए कि 48 घंटे के अंदर अंदर कराची के सिस्टम को सही कर ले, तो मैं समझता हूँ ये बेहतरी होगी। 3 सजेशन है, एक मिनट की बात करूँगा आपसे कि अगर कराची के मसले को हल करना है, नंबर एक KE का जो पैसे हैं उसकी अदायगी कर दी जाए, नंबर दो कोरोना के दौर में हमने जो है जिस तरह से एक कौम बनकर उस वबा का हमने सामना किया था और उससे हम टकराए थे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हमने बेहतर पोजीशन हासिल की थी, तो हमें जो है चाहिए कि हम जो है मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करें। इसके लिए ज़रूरी है कि कराची की मार्केट्स सुबह 8 बजे खोली जाएं, शाम को 7 बजे बंद कर दी जाएं जब तक कराची का इशू ख़त्म नहीं होता। एक आखिरी जुमला जनाब स्पीकर, और अगर मैं ये समझता हूँ कि तीसरी चीज़ यह है, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो हम एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है पाकिस्तान, एक एटम बम जो है ट्राई के लिए कराची शहर में मार दिया जाए ताकि 3.5 करोड़ आवाम जो है वो इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर ले, न गरीब रहेगा न गुरबत रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह न करे, मैं आपकी ये बात जो एक्सपंज करता हूँ। जनाब मोहम्मद हाशिम खान नोतेज़ई साहब जी। शुक्रिया स्पीकर साहब। उसामा साहब ने बड़ा तफसील के साथ बात किया, जहाँ तक जो रेटों का तयन है ये यकीनन एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी होगा जो नेप्रा के तहत जो रेट्स रिड्यूस भी हो सकते हैं, जो कम भी हो सकते हैं, जो बढ़ाना है तो ये एक पॉलिसी के तहत रेटों को बढ़ाना है या कम करना है, तो ये हम और आप यकीनन उस पॉलिसी को मुझे आपको फॉलो करना है। दूसरा, आपने जो यहाँ पर जो बात किया बिल्कुल जी आपके बड़े अच्छे बात हैं, जो कराची डेवलपमेंट पैकेज या चार्जेस के नाम से जो 2.50 रुपए यानी कंज्यूमर से वसूल किया जाए, मैं इसकी सर तफसील इंशाल्लाह मिनिस्ट्री से ले लूँगा। क्या है इसकी कोई कैबिनेट से इसका कोई डिसीजन आया है, इसका गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसला आया है, इस तरह का कोई नेप्रा की तरफ से कोई फैसला आया है कि 2.50 रुपए कराची जो आम कंज्यूमर से वसूल किया जाए कराची डेवलपमेंट पैकेज के नाम से, तो इसकी सर मैं तहकीकात करके इंशाल्लाह अपने दोस्तों को बता दूंगा। अच्छा, तीसरा, इन्होंने बड़ा एक अहम जो पॉइंट उसामा साहब ने जो रेज किया था जो 317 जो बिलियन की बात है, तो इसमें सर
यकीन हम भी काबीना में, हमारे दोस्त है वह भी काबीना में, अगर कोशिश करेंगे अगर इनको 25 बिलियन इनको दिया जाए वहाँ से भी इनका बोझ थोड़ा हल्का हो सकता है। मोहतरमा शमीम आरा पावर साहब साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू मिस्टर स्पीकर, बहुत शुक्रिया। मेरा अहम जो तवज्जो दिलाओ नोटिस है जो कि 22 करोड़ अवाम से ताल्लुक रखता है, क्योंकि वापडा की लोड शेडिंग की वजह से 17 से 18 घंटा कोई निज़ाम घंटे कोई निज़ाम नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। आप मुझे बताएं कि लोड शेडिंग की वजह से लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताएं वो आवाम कहाँ जाए, और दिन ब दिन बिजली की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। आप मुझे बताएं कि आवाम कहाँ जाए, उन गरीबों से पूछो इन शदीद गर्मी में जिनके पास न सोलर का निज़ाम है न किसी चीज़ की कोई फैसिलिटीज है। हालात ये है स्पीकर साहब, थोड़ा तवज्जो दें इस बात पर कि ट्रांसफार्म जो है बहुत खस्ता हालत में है, ये इस कदर कि अगर वो कहीं बस्ट हो जाता है तो दो दो हफ्ते लग जाते हैं, उनको मेंटेनेंस नहीं होती है। जब उनको फ़ोन कर करके हम थक जाते हैं तब जाके उनकी मेंटेनेंस होती है। वो अब कहीं ऐसा होता है कि डोनेशन ली जाती है, डोनेशन लेकर फिर उनकी वो रिपेयरिंग की जाती है। मेरी ये आपके सजेशन है कि बराए मेहरबानी करके कोई एक वर्कशॉप आप मीरपुर खास में कायम करें जो रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं। और होता ये है कि एक ट्रांसफार्मर में जो 200 केवी का होता है उसमें कनेक्शन जितने लगाने चाहिए वो उससे बढ़कर बड़ी तादाद में लगाया जाता है, जिसकी वजह से बार बार वो बस्ट हो जाता है तो लोग बड़ा सफ़र करते हैं। दूसरी बात यह कि मीरपुर खास में अभी हाल ही में 11,000 तार गिरने से माँ बेटे की हलाकत हुई है। इससे 3 साल पहले एक बच्ची की हलाकत हुई थी। तो मैं वफाक से मुतालबा करूंगी तो खुदादार ये 11,000 की तारें जो लोगों के घरों से गुजरती है उनकी रिपेयरिंग की जाए, उन पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि लोग महफूज नहीं हैं, अवाम महफूज नहीं है इस 11,000 तार की वजह से। और दूसरी बात यह है कि कितने आज आप देखें स्पीकर साहब, सिंध में पोल नहीं है, लोगों के घरों से जो बिजली गुजरती है वो लकड़ी के एक भांस दिए हुए होते हैं, उन भांसों में वायरिंग गुजरती है जिससे लोग बड़े मुतासर होते हैं आवाम के घरों, उसकी वजह से लाइट चली जाती है। तो बराए मेहरबानी आप इन पर तवज्जो दें स्पीकर साहब। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस मसले को आप कमेटी में भेजें, स्टैंडिंग कमेटी में भेजें, ताकि मिल बैठकर इसका कोई हल तलाश करें, क्योंकि बहुत सीरियस मसला है अवाम का। इसको को आप थोड़ा तंबी करें कि खुदादार अवाम के साथ इतना जुल्म ना करें इस शदीद उसमें गर्मी में। थैंक यू जनाब मोहम्मद हाशिम खान नोतेज़ई साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब, बिल्कुल जी मोहतरमा साहिबा ने बड़े अच्छी बात किया। तो इसमें वाकई न सिंध, मैंने पहले कहा था न सिंध लोड शेडिंग से मुतासर है, पूरे पाकिस्तान लोड शेडिंग से मुतासर है, और इसकी वजूहत मैंने पहले सर आपके खिदमत में मैंने अर्ज़ किया। और दूसरा जो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की जो मरम्मत है, हम कोशिश करते हैं कि इनका जो रिपेयरिंग है इसको यकीनी बना जाए, और जो बड़े बड़े जो ट्रांसमिशन लाइन वहाँ पर जो आबादी के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है मोहतरमा साहब से कि वो एक एप्लीकेशन की मद से जो भी हमारे दोस्त अहबाब अब निशानदेही करें, हम फ़ौरन का सीओ को बता देंगे, उनका फौरन रिप्लेसमेंट का बंदोबस्त करें। और कोशिश करेंगे स्पीकर साहब, यकीनन इस वक्त जो मुल्क में शदीद जो लोड शेडिंग का बहरान है, जो आवाम इससे जो पिस रही है, आवाम जो इसमें परेशान है, हमने कोशिश की हमारे जो 3 प्रोजेक्ट हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको 1-3-4 महीने से उनको स्टार्ट करें, और जो जिसमें 3,200 मेगावाट हमारा सिस्टम इंशाल्लाह शामिल होगा, और शायद इंशाल्लाह ये लोड शेडिंग का जो दौरानिया कम हो जाए। बाकी जो भी आपके इशूज़ हैं आप इन रिटर्न हमारे ऑफिस में दे दें, हम कोशिश करेंगे उसको इंशाल्लाह जल्द इंशाल्लाह करेंगे। कौन है? नहीं अभी